मैं हूं राम गुप्ता। आज हम आपको साई सचित के महाग्रंथ के अध्याय 26 की पावन कथा को संपूर्ण करेंगे। कथा को प्रारंभ करने से पहले आप भक्तों से मेरा आग्रह कि साई जीवन वाला में जो आप प्यार दे रहे हैं, इतने भक्त जुड़ रहे हैं, उन सभी का मैं हृदय से साधुवाद देता हूं और बाबा के द्वार का मैं से आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं कि बाबा आपके ऊपर अपनी अपार कृपा बरसाए रखे और आपके सारे संकट और कष्ट को दूर करे। आज बाबा का वार है और बाबा के वार के दिन, गुरुवार के दिन, आप सभी भी बाबा की शरण में जाएं। अगर बाबा की शरण पे नहीं जा सकते क्योंकि अभी लॉकडाउन है, तो आप अपने घर के मंदिर में बाबा जी के समक्ष एक दीपक प्रज्वलित करेंगे और वह दीपक हो सके तो घी का हो और कम से कम एक घंटा वह प्रज्वलित रहे और 10 मिनट ओम श्री साई नाथाय नमः, ओम श्री साई नाथाय नमः इस मंत्र का आप 11-21 जितनी आपकी साई श्रद्धा हो जाप करेंगे और बाबा से कोई भी चीज की मांग नहीं करेंगे, निस्वार्थ भाव से यह करेंगे और बस इतना कीजिए, बाकी बाबा पे छोड़ दीजिए। चलिए साई सचित के अध्याय 26 की पावन कथा जो हमने अधूरा छोड़ा था आज उसे संपूर्ण करते हैं कि एक भक्त जो हरिश्चंद दिखने थे उसके बच्चों को बाबा ने किस प्रकार बचाया और उसके ऊपर अपनी अपार कृपा बनाई और उनकी पति पत्नी बाबा के परम भक्त बन गए, उनका संदेह दूर हो गया। श्री पितरे अपनी धर्म पत्नी से बाबा के दर्शन को आए और अति विनम्र होकर आदर पूर्वक चरण वंदना कर पाद सेवन करने लगे। मन ही मन वे बाबा को धन्यवाद दे रहे थे। तब बाबा ने मुस्कुरा कर कहा, क्या तुम्हारे समस्त विचार और शंकाएं मिट गई? जिन्हें विश्वास और धैर्य है उनकी रक्षा श्री हरि अवश्य करेंगे। श्री पितले एक धनाढ्य व्यक्ति थे, इसलिए उन्होंने अधिक मात्रा में मिठाई बांटी और उत्तम फल तथा पान पीड़े बाबा को भेंट किए। श्रीमती पितले सात्विक वृत्ति की महिला थी, वे एक स्थान पर बैठकर बाबा की ओर प्रेम पूर्ण दृष्टि से निहारा करती थी। उनकी आंखों से प्रसन्नता के आंसू गिरते थे। उनका मृदु और सरल स्वभाव देखकर बाबा अति प्रसन्न हो गए। ईश्वर के समान ही संत भी भक्तों के अधीन है जो उनकी शरण में जाकर उनका अनन्य भाव से पूजन करते हैं। उनकी रक्षा संत हमेशा करते हैं। शिरडी में कुछ दिन सुखपूर्वक व्यतीत कर पितले परिवार बाबा के समीप मस्जिद में जाकर चरण वंदना कर शिरडी से प्रस्थान करने की अनुमति मांगी। बाबा ने उन्हें उदी देकर आशीर्वाद दिया। पितले को पास बुलाकर वे कहने लगे, बापू पहले मैंने तुम्हें 2 रुपए दिए थे और अब मैं तुम्हें 3 रुपए देता हूँ। इन्हें अपने पूजन ग्रह में रख कर इनका नित्य पूजा करो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। श्री पितले ने उन्हें प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर लिया, बाबा को पुनः साष्टांग नमन किया, प्रणाम के तथा आशीष के लिए प्रार्थना की। उन्हें ये विचार भी आया कि प्रथम अवसर होने के कारण मैं इसका अर्थ समझने में असमर्थ हूँ कि 2 रुपए मुझे पहले कब दिए थे, और वे इस बात का स्पष्टीकरण चाहते थे परंतु बाबा मौन ही रहे। बंबई पहुँचने पर उन्होंने अपनी वृद्ध माता को शिरडी की विस्तृत वार्ता सुनाई और उन 2 रुपयों की समस्या भी उनसे कही। उनकी माता को भी पहले पहल तो कुछ समझ में ना आया, परंतु पूरी तरह विचार करने पर उन्हें एक पुरानी घटना की स्मृति हो आई जिसमें यह समस्या हल कर दी। उनकी वृद्ध माता कहने लगी कि जिस प्रकार तुम अपने पुत्र को लेकर श्री साईं बाबा के दर्शनार्थ गए थे, ठीक उसी प्रकार तुम्हें लेकर तुम्हारे पिता अनेक वर्षों पहले अक्कलकोट महाराज के दर्शनार्थ गए थे। महाराज पूर्ण सिद्ध योगी त्रिकालज्ञ और बड़े उदार थे, तुम्हारे पिता परम भक्त थे, इस कारण उनकी पूजा स्वीकार हुई। तब महाराज ने उन्हें पूजनार्थ 2 रुपए दिए थे। जिनकी उन्होंने जीवन पर्यंत पूजा की उनके पश्चात उनकी पूजा यथाविधि ना हो सकी और वे 2 रुपए खो गए। कुछ दिनों के उपरांत उनकी पूर्ण विस्मृति भी हो गई। तुम्हारा सौभाग्य है कि जो श्री अक्कलकोट महाराज ने साई रूप में तुम्हें अपने कर्तव्यों और पूजन की स्मृति कराकर आपत्तियों से मुक्त कर दिया। तब भविष्य में जागरूक रहकर समस्त शंकाएं और सोच विचार को छोड़कर अपने पूर्वजों का स्मरण कर, रिवाजों का अनुसरण कर, उत्तम प्रकार का आचरण अपनाओ, अपने कुलदेव तथा इन रुपयों की पूजा कर उनके यथार्थ स्वरूप को समझो और संतों का आशीर्वाद ग्रहण करने में
गर्व मानो। श्री साईं समर्थ ने दया कर तुम्हारे हृदय में भक्ति का बीजारोपण कर दिया है और अब तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम उसकी वृद्धि करो। माता के मधुर वचनामृत का पान कर श्री पितले को अत्यंत हर्ष हुआ। उन्होंने बाबा सर्वज्ञता विदित हो गई और उनके श्री दर्शन का भी महत्व ज्ञात हो गया। इसके पश्चात अपने व्यवहार में अधिक सावधान हो गए। तो जैसा कि एक कथा और आई थी कि 2 रुपये 14 आने भक्त को बाबा ने कहा कि मुझे पहले से प्राप्त हो गया, वह भक्त संशय में पड़ गया कि आखिर मैंने बाबा को 2 रुपये 14 आने कब दिया। जब वह विषय उसको याद नहीं आया, जब बहुत याद किया तो उसे याद आया कि एक भक्त के घर को आमंत्रित किया था, उसके खर्च में उसे 2 रुपये 14 आने का खर्च किए थे जो कि बाबा का ही स्वरूप था। उसी प्रकार यहाँ पर भी बाबा ने बताया है कि कुल देवता की पूजा करो। कुल देवता, कुल पूर्वज जो हमारे पितर रहते हैं, अगर वह खुश रहेंगे तो आपको जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं हो। आप सभी अपने घर पे जब भी खाना बनाते हैं तो अग्रसर निकालिए, रोटी को खिलाइए, अपनी कौवा चींटी पशु पक्षी को खिलाएं, क्योंकि यह सब हमारे कुल पूर्वज और भगवान को अर्पण होते हैं। तो आगे की कथा है श्री अंबेडकर। पुणे के श्री गोपाल राव नारायण अंबेडकर बाबा के परम भक्तों में से एक थे, परम भक्तों में एक थे, जो ठाणे जिला और जवाहर स्टेट के अभिकारी विभाग में 10 वर्षों से कार्य कर रहे थे। वहाँ से सेवानिवृत्त होने पर उन्होंने अन्य नौकरी ढूंढी, परंतु वे सफल ना हो सके। तब उन्हें दुर्भाग्य ने चारों ओर से घेर लिया, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति और भी अधिक दयनीय हो गई। ऐसी परिस्थिति में उन्होंने 7 वर्ष व्यतीत किए। वे प्रतिवर्ष शिरडी जाते और अपनी दुखदायी कथा वार्ता बाबा को सुनाया करते थे। सन 1916 में तो उनकी स्थिति और भी अधिक चिंताजनक हो गई, जब उन्होंने शिरडी जाकर आत्महत्या करने की ठानी। इसलिए वे अपनी पत्नी को साथ लेकर शिरडी आए और वहां 2 मास तक ठहरे। एक रात्रि को दीक्षित बाड़े के सामने एक बैलगाड़ी पर बैठे बैठे उन्होंने कुएं में कूदकर प्रणाम करने का निश्चय किया। साथ ही बाबा ने उनकी रक्षा करने का निश्चय किया। वहीं समीप ही एक भोजनालय के मालिक श्री शगुण मेरु नायक ठीक उसी समय बाहर आकर उनसे इस प्रकार वार्तालाप करने लगे कि क्या आपने कभी श्री अक्लकोट महाराज की जीवनी पढ़ी है। शगुण से पुस्तक लेकर उन्होंने पढ़ना प्रारंभ कर दिया। पुस्तक पढ़ते पढ़ते वे एक ऐसी कथा पर पहुँचे जो इस प्रकार थी। श्री अक्लकोट महाराज के जीवन काल में एक व्यक्ति असाध्य रोग से पीड़ित था। जब वह किसी प्रकार भी कष्ट सह ना सका तो वह बिल्कुल निराश हो गया और एक रात्रि को कुएं में कूद पड़ा। तत्क्षण ही महाराज वहां पहुंच गए और उन्होंने स्वयं अपने हाथों से उसे बाहर निकाला। वे उसे समझाने लगे कि तुम्हें अपने शुभ अशुभ कर्मों का फल अवश्य ही भोगना चाहिए। यदि तुम भोग अपूर्ण रह गया तो पुनर्जन्म धारण करना पड़ेगा। इसलिए मृत्यु से यह श्रेयस्कर है कि कुछ काल तक उन्हें सहन कर पूर्व जन्मों के कर्मों का भोग समाप्त कर सदैव के लिए मुक्त हो जाओ। यह सामायिक और उपयुक्त कथा पढ़कर अंबेडकर को महान आश्चर्य हुआ और वे द्रवित हो गए। यदि इस कथा द्वारा उन्हें बाबा का संकेत प्राप्त न होता तभी अभी तक तो उनका प्राणांत हो गया होता। बाबा की व्यापकता और दयालुता देखकर उनका विश्वास दृढ़ हो गया और वे बाबा के परम भक्त बन गए। इनके पिता श्री अक्लकोट महाराज के शिष्य थे और बाबा की इच्छा भी उन्हें उन्हीं के पदचिन्हों का अनुसरण कराने की थी। बाबा ने उन्हें आशीर्वाद दिया और अब उनका भाग्य चमक उठा। उन्होंने ज्योतिष शास्त्र के अध्ययन में निपुणता प्राप्त कर उसमें बहुत उन्नति कर ली और बहुत सा धन अर्जित कर अपना शेष जीवन सुख और शांति पूर्वक व्यतीत किया। तो देखा आपने कि बाबा सदैव कहते हैं कि आत्महत्या करना गलत बात है, आत्महत्या करना किसी समस्या का समाधान नहीं है। आप लोगों से भी मैं यही कहूँगा, अगर आपके जीवन में परेशानी आ रही है भाई, जैसे दुख आता है सुख आता है, जैसे आप सुख में सुखी रहते हैं दुख में दुखी हो जाते हैं,
तो आप दुख को भी सहने की शक्ति पैदा करें अपने में, क्योंकि अगर आप दुख से हार जाएंगे तो स्वाभाविक है आप अपने आप से हार जाएंगे। इसलिए कभी भी अपने आप को हारने ना दें। कष्ट जीवन में आते हैं और जाते हैं, सुख दुख दो पहियों की तरह जो घूमते रहते हैं रात दिन की तरह। इसलिए सभी का आनंद लीजिए और अपने जीवन में सुखपूर्वक रहें और सुख शांति से अपना जीवन व्यतीत करें। श्री सद्गुरु साईं अर्पणमस्तु। शुभम भवतु। अध्याय 26 संपूर्ण। श्री साईं सचित के अध्याय 26 की यह पावन कथा संपूर्ण हुई। प्रार्थना करते हैं कि हे बाबा, जिस भक्त ने आपकी इस कथा को सुना बाबा, उस पर अपनी अपार कृपा बरसाओ बाबा, और उसके सारे संकटों कष्टों को दूर करो बाबा, और अपनी छाया सब पर रखना बाबा। यह साईं सचित हम आपको सुना रहे हैं बाबा, हम सभी पे दया दृष्टि बरसाए रखना। ओम साई राम। अगले अध्याय में साईं सचित के अध्याय 27 की पावन कथा आप लोगों को सुनाएंगे। बने रहे साईं जीवन वाला के साथ। अगर आप सभी के पास साईं सचित के महाग्रंथ नहीं है तो मैसेज कर दीजिएगा, तो मैं आप लोगों को उपलब्ध करवा दूंगा। ओम साई राम। कि दिल को छुआ हो और इस वीडियो ने आपके दिल में थोड़ी भी जगह बनाई हो तो आप हमारे YouTube चैनल साईं जीवन वाला को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए। और आप बने रहे साईं जीवन वाला के।